दोस्तों मैं इस वक्त आ गया हूँ ओनर की वेबसाइट पर और इस पर फिर से एक सेल चलने वाला है। जैसे कि आप हर हफ्ते देखते हैं कि ओनर अपने हर हफ्ते एक सेल चलाता है 1 रुपीज़ सेल, और वो रखता है दोस्तों मंगल के दिन। तो दोस्तों इस मंगलवार को जो सेल रखी जानी है मैं उस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस मंगलवार को 15 जनवरी को फ़ोन रखा जाएगा ओनर 9 लाइट। दोस्तों ये फ़ोन ओनर 9 लाइट आपको 1 रुपीज़ सेल में मिलेगा, देखने को मिलेगा। फ्लैश सेल होती है दोस्तों, फ्लैश सेल का मतलब होता है जो पहले आएगा वही ये सेल ग्रैब कर पाएगा, मतलब 1 रुपीज़ में ख़रीद पाएगा। लेकिन कुछ ही फ़ोन रखते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कुछ ही फ़ोन रखते हैं ये लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 20 या हद से ज़्यादा तो 40 होगी। आज तक बताया नहीं गया कि कितने फ़ोन रखे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम रखे जाते हैं और लाखों जने एक ही साथ आ जाते हैं इसमें लेने, इसीलिए कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। नहीं, कुछ ही लोगों को मिलता है और बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसके लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसकी वेबसाइट पर आनी पड़ेगी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है, और अगर आपको लॉगिन करने नहीं आता, इसकी आईडी बनाने नहीं आती, तो नीचे उसका भी लिंक वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख के आईडी बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों 15 जनवरी को रखी जाएगी ये सेल ओनर की वेबसाइट पर, और 11:45 पर 1 रुपीज़ सेल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो और जब 1 रुपीज़ सेल हो जाएगा तो जैसे ही आपको 11:45 होगा उस समय आप जाके इसको ग्रैब करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड इंटरनेट की स्पीड सही हुई तो आप ग्रैब कर सकते हैं और 1 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों बस यही बताना था कि 1 रुपीज़ सेल हर मंगलवार को चलता है ओनर के, तो इस मंगलवार को भी चालू होने वाला है वंडरफुल सेल। तो दोस्तों बस अगर आपका कोई तरह का सवाल या सुझाव है इस फ़ोन से रिलेटेड, 1 रुपीज़ सेल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।